हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हो गए इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर के पास से है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर हमें मिल रही है। दो बदमाशों ने बीती रात एक कारोबारी को गोली मारकर मोबाइल, पैसे, सोने की अंगूठी और चेन लूट ली थी। वारदात के बाद जख्मी कारोबारी को नहर किनारे फेंक दिया गया। इसके बाद मेहताब और तुषार नाम के इन दोनों बदमाशों के मकसूदी इलाके में होने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। जिस कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने लूटा, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। व्यापारी से लूट के बाद मुठभेड़ के जो हालात बने, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जो दो लोग जिन पर आरोप है जिन्होंने गोली चलाई, उनकी भी पहचान हो चुकी है। मसूरी इलाके में दोनों बदमाशों के होने की खबर पुलिस को मिली थी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद और गाजियाबाद के मसूरी इलाके की यह घटना है। व्यापारी लूट के बाद मसूरी इलाके में छिपे हुए थे। मुठभेड़ की जानकारी पुलिस को लगी और उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में एक शख्स